अगर आपको एक टिकट पर दोनों फिल्में देखने मिले तो उससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कुछ ऐसा ही हुआ। जी हाँ, मैं अमित शाह हूँ, स्पोर्ट्स तक पर आप सभी मुझे देख रहे हैं सीधे दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन क्रिकेट ग्राउंड से। और आज यहाँ पर, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, हुआ ही कुछ ऐसा। दो शतक यहाँ पर तमाम जो मैदान में दर्शक उपस्थित थे उसको देखने मिले, लेकिन दोनों ही शतक के मायने कुछ अलग ही थे। मैं आपको समझाता हूँ दोनों शतक के मायने क्या थे। सबसे पहले मैं आऊँगा भारतीय टीम के संकट मोचक। जी हाँ, सेंचुरियन में भारतीय टीम के लिए हमेशा से जब भी कोई भी खराब परिस्थिति आती है, ये शख्स जो है संकट मोचन बन के खड़े हो जाते हैं, जिनका नाम है केएल राहुल। जी हाँ, केएल राहुल बेहतरीन शतक यहाँ उन्होंने बनाया। और अब तक जो केएल राहुल की टेस्ट करियर के जो शतक थे ना, वो हमेशा बींग एन ओपनर आए थे, एक सलामी बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अब तक शतक लगाए थे। लेकिन ये पहला उनका शतक है केएल राहुल का कि उन्होंने मिडिल ऑर्डर में आकर के बनाए, और वो भी ऐसी परिस्थिति में कि जहां पर उम्मीद नहीं लग रही थी कि उनका शतक हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि एक टेलेंडर के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे थे। तो ये राहुल के लिए काफ़ी एक स्पेशल शतक माना जाएगा। और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर साहब ने भी जो है इस शतक की जो तुलना है वो भारतीय टेस्ट हिस्ट्री के 10 बेहतरीन शतकों में से की है, और क्यों हो भी ना। और केएल राहुल को जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा तो काफ़ी भावुक हो गए। उन्होंने ये कहा कि जी अगर गावस्कर साहब बोल सकते हैं तो मेरे लिए एक ये एक कॉम्प्लीमेंट समान है, एक ताज के समान है। तो मैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट करके उन्होंने कहा कि मैं डेफिनेटली उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन इस शतक के मायने क्या हैं, मैं मैच के विवरण पर आपको बाद में थोड़ा बहुत आऊँगा, जो एंड में हम समरी करेंगे उसी पर। लेकिन इस शतक के मायने क्या हैं, देखिए केएल राहुल जैसा खिलाड़ी जब वो आईपीएल से इंजर्ड हुआ, उसके बाद से हम कहें कि लगातार जो उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, उसका फॉर्म जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहा। और हम कहेंगे सोशल मीडिया पर केएल राहुल काफ़ी एक्टिव थे, उन्होंने हर जगह से केएल राहुल को जो है वो दर्शकों की आलोचनाएं झेलनी पड़ी है। अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वाहवाही भी मिलती थी, लेकिन हम कहें कि पिछले कई अरसे से केएल राहुल का फॉर्म जो है वो अप एंड डाउन चल रहा था, और आलोचना उनको झेलनी पड़ी। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बात कर लें T20 विश्व कप की, चाहे आप बात कर लें मौजूदा विश्व कप के फाइनल की जो अहमदाबाद में फाइनल हुआ, तो कहीं ना कहीं केएल राहुल पर प्रेशर ज़रूर था। और इस टेस्ट मैच में उन पर जिम्मेदारी थी बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेलने की, जो वो पहली बार उस भूमिका को अदा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने टेस्ट मैच में विकेट कीपिंग की थी, लेकिन फुल टाइम कीपिंग नहीं थी। यहाँ पर जिस तरीके की कंडीशन सुपर स्पोर्ट्स पार्क के मैदान पर होती है, उसको देखते हुए भल भले बैट्समैन जो है ना वो भौचक्के हो जाते हैं, किसी के शतक लगते नहीं। लेकिन राहुल केएल राहुल एकमात्र ऐसे एशियाई बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार इस मैदान पर दो शतक लगाए हैं, मतलब बैक टू बैक। हम कहें 2021 में जब भारतीय टीम यहां पर आई थी तब भी केएल राहुल के बल्ले से शतक निकला था, और उसके बाद जब भारतीय टीम एक बार फिर से इस दौरे पर आई है तब भी केएल राहुल के बल्ले से शतक निकला है, लेकिन वो बतौर ओपनर निकला था, यहाँ बतौर मिडल ऑर्डर। और इस विकेट पर कैसे खेलना चाहिए, उस पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जब आए थे तब उन्होंने एक बात बताया कि यहाँ ये ऐसी विकेट नहीं है कि आप गए और आपने जो है अपने स्ट्रोक्स खेलना शुरू कर दिए। इस विकेट का अंदाज़ा भली भांति लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस विकेट को अच्छी तरीके से परखोगे नहीं तो बल्लेबाज को एक अच्छी गेंद और बल्लेबाज जो है सीधे पवेलियन रवाना। ये मैं आपको पहले दिन से कहे जा रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के थे, हमने फैनी डिविलियर्स से बात की थी, हमने शॉन पॉलक से बात की थी, हमने कई लोगों से बात की थी, उन्होंने भी ये बात बताया कि सेंचुरियन में खेलने का बल्लेबाजों का रवैया जो है वो अलग होता है। और ठीक उसी तरीके ये केएल राहुल अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक उसी तरीके से उन्होंने ये बताया कि अगर आप 5 रन पर बैटिंग कर रहे हो, 10 पर कर रहे हो, 50 पर कर रहे हो, 60 पर कर रहे हो, 70 पर कर रहे हो, आप ये मत सोचिए कि आप सेट हो चुके हैं। एक अच्छी गेंद आएगी, यहाँ पर जो है मौसम के हिसाब से गेंद भी बदलती है, फर्स्ट हाफ में गेम अलग होता है, सेकंड हाफ में अलग होता है, थर्ड हाफ में अलग होता है, तो आपको जो है अपनी रणनीति बना करके खेलना है। और ठीक उसी तरीके की रणनीति बनाकर केएल ने भी इस पारी को बुना। केएल ने कहा कि मैं अंत समय तक बॉल को देख रहा था, गेंद अच्छी आ रही थी, वहाँ पर मिड ओवर्स में जो है वो रन्स आए, जबकि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जब वो मैदान पर थे, सेकेंड सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर रन्स आए। और आप दक्षिण अफ्रीका की पारी में भी ठीक उसी तरीके की चीज़ थी, रन्स आए वहाँ पर भी, लेकिन
केएल राहुल की जो बल्लेबाजी थी, मानना पड़ेगा कि जिस धैर्यपूर्ण से उन्होंने कहा, और वो कहते थे कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है, अच्छा बॉल आता है, तो मुझे जो है वो सोचने का वक्त मिलता, मैं विकेट पर अच्छे तरीके से डटकर सोचता हूँ कि मेरी आखिरी बॉल कैसी थी, कैसा बॉल पर जाना चाहिए, बल्लेबाजों को यहाँ पर किसी भी तरीके की हड़बड़ी नहीं करनी, यहाँ पर गेंदबाज जो है वो डोमिनेट करता है, तो हमेशा से गेंदबाज एक गलती करे उसका ध्यान करें, और वही चीज़ जो है केएल राहुल ने भी बताई और दूसरे शतकवीर डीन एल्गर ने भी। जी हाँ, अब मैं डीन एल्गर की बात कर रहा हूँ, बेहतरीन शतक मैं कहूँगा, और ये बेहतरीन और स्पेशल शतक क्यों, क्योंकि ये उनकी टेस्ट करियर की पारी जो है, ये सेकंड लास्ट हम कहेंगे टेस्ट मैच है, क्योंकि ये टेस्ट मैच, ये टेस्ट श्रृंखला उनकी आखिरी है, इसके बाद ये महान खिलाड़ी जो है वो दक्षिण अफ्रीका टीम को टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह जाएगा। मेरे एक साथी दोस्त हैं, उन्होंने मुझको अभी एक बात बताई, मैंने उनको दोनों ही शतक के रूप में एक मैंने उनको कंपेरिजन पूछनी चाहिए कि मैं उसको किस तरीके से समाप्त कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि देखिए दोनों ही शतक के रूप में जो है वो, मैं उनका नाम बता देता हूँ, चलिए खुशांत सरकार उनका नाम है, आप हर कोई उनको जानते हैं, पीटीआई के बेहतरीन और सीनियर रिपोर्टर हैं। उन्होंने मुझको एक बात बताई कि आप इस शतक को डिस्क्राइब इस तरीके से करिए कि एक केएल राहुल का शतक जो है वो कई आलोचना झेलने के बाद ऐसा आ रहा है, और एक शतक जो है ये इमोशनल शतक था डीन एल्गर का, क्योंकि अपनी करियर की आप उन्हें पता है कि केवल उनको मैक्सिमम चार इनिंग मिलनी है, और ये जो पहली इनिंग उनको मिली थी उस पहली इनिंग में ही शतक आना, तो ये कितना उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात होगी, काफ़ी मतलब मैं कहूँ इमोशनल से लबालब डीन एल्गर थे। तो ये दोनों ही शतक की साम्यता जो है ना, ये दोनों शतक का मैं कहूँ कि इसका अगर आप आकलन करें, इसका अगर आप उसके बीच में तफावत अगर कुछ करना चाहें, तो इसका ये है, एक शतक इमोशनल और एक शतक अपने आप को एक खिलाड़ी प्रूव करने के लिए कर रहा था। तो बस ये एक था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी करी। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा क्रिटिकल पार्ट पर, मैंने तारीफ बहुत सी कर दी, लेकिन जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीकाई गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी है, भारतीय गेंदबाज जो है उस तरीके की अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए, क्योंकि एक हमें उम्मीद थी कि प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर, हालांकि शार्दुल ठाकुर को मैं न्यू कमर नहीं कहूँगा, शार्दुल ठाकुर कई मैचेस खेल चुके हैं, शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा मुझे लय से भटके हुए दिखे, क्योंकि अगर आप देखें दक्षिण अफ्रीकाई तेज़ गेंदबाजों को, वो एक सटीक लाइन लेंथ में गेंद कर रहे थे, वो यहाँ वहाँ गेंद नहीं डाल रहे थे, और शॉर्ट गेंद उनकी काफ़ी कम हो रही थी, और वो जो है दो या सवा दो की लेंथ से जो है वो गेंदबाजी कर रहे थे, ताकि बल्लेबाजों को वो हिट कर पाएँ, बल्लेबाजों को आउटसाइड ऑफ स्टंप खेलने पर मजबूर करें, गलतियां करने पर मजबूर करें, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की लय जो है वो यहां पर मुझे तो ठीक नहीं लगी। जसप्रीत बुमराह नो डाउट उन्होंने अपनी कोशिश करी, मोहम्मद सिराज थोड़े बिखरे हुए लगे, हालाँकि विकेट उनको ज़रूर मिली है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा चलिए पहला मैच खेल रहे हैं, लेकिन इस कंडीशंस में उन्होंने इंडिया ए में भी अच्छा प्रदर्शन किया था पिछली बार जब आए थे, और यहाँ पर वनडे में भी प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, शायद उसी के चलते जो है उनको पहला टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का गेंदबाजी प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों से होने की जो हमें आशा थी वो वहाँ पर उन्होंने निराश किया है। अब देखिए बीत गई सो बात गई, आज का दिन तो दूसरे दिन का खेल तो समाप्त हो चुका है, तीसरे दिन यहाँ पर आप देखें आधी टीम दक्षिण अफ्रीका की अंदर जा चुकी है, टेम्पा बौमा की क्या पोजीशन है अब तक पता नहीं है, आधिकारिक रूप से तो कोई उन पर जो है वो विश्लेषण आया नहीं है टीम मैनेजमेंट से, तो बाकी बचे खिलाड़ियों को, भारतीय गेंदबाजों को आज रात में जब वो बैठेंगे या कल सवेरे मैदान में आएंगे, एक ठोस रणनीति उनको बनानी होगी कि किस तरीके से उनको गेंदबाजी करनी है, बल्लेबाजों के आगे अगर वो शॉर्ट गेंद ना डालें, गुडलाइन स्पॉट पर से गेंद सीधी सीधी लाइन और लेंथ पर अगर रखते हैं और वहाँ से गेंद को बाहर निकालने की कोशिश करें, तो मेरे हिसाब से दक्षिण अफ्रीकाई जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं जो आने वाले, उनको भारतीय टीम जल्दी पवेलियन लौटा सकती है। मैं आपको बता दूँ, दो दिन यहाँ पर जो है वो ओवरकास्ट कंडीशन थी, सर्दी लग रही थी, मैं तो कहूँ सब जन जैकेट पहन के बैठे हुए थे, छतरी लेके आए हुए थे, लेकिन आने वाले तीन दिन में ये कंडीशन नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको ब्राइट सनी डे है, आने वाले तीन दिन में जमकर धूप आएगी, और ये विकेट जो है वो धीरे धीरे बल्लेबाजों के लिए संपूर्ण रूप से असरकारक होगी। ऐसे में भारतीय टीम अगर दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में
कम रन पर कम लीड लेने पर अगर रोक देती है तो भारतीय टीम के लिए एडवांटेज होगा यहाँ से एक बड़ा स्कोर करना। और मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल वगैरह जो खिलाड़ी हैं ना, दूसरी पारी में गेंद अच्छे से उन पर आएगी, वो काफ़ी लय में लग रहे थे। हालांकि ये रोहित शर्मा ने भी एक गलती करी, उनको ट्रैप में फंसाया गया, लेकिन मेरे हिसाब से ये दो ओपनिंग जोड़ी जो है ना, ये भारतीय टीम के लिए सेकेंड पारी में एक अच्छा खासा एक टोटल जो है वो शुरुआत देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब यही उम्मीद करते हैं कि कल जल्द से जल्द जो है वो भारतीय टीम ऑल आउट कर दें दक्षिण अफ्रीका के पुछल्ले बल्लेबाजों को, और तीसरे दिन जो है वो एक भारतीय टीम को एक अच्छा स्कोर अदा करना पड़ेगा। रेगुलर इंटरवल में जो भारतीय टीम ने पहली पारी में विकेट्स दिए हैं वो पहली पारी में विकेट्स नहीं देने। आप दक्षिण अफ्रीका की टीम में आपने देखा वो मैदान पर खेलते रहे, उन्होंने विकेट्स नहीं दिए। भारतीय टीम ने वो जो गलती करी वो गलती अभी सेकेंड इनिंग्स में उनको नहीं दोहरानी है। तो यही एक सारा फोकस लेकर के तीसरे दिन का जब खेल शुरू होगा तब टीम इंडिया के खिलाड़ी उतरेंगे, तब हम भी जो है वो मैच का लेखा जोखा लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। आखिरकार मैं यही कहूँगा कि भारतीय टीम के पास मौका है, क्योंकि जब टी टाइम के एक घंटे के बाद जिस तरीके से दो ओवर में दो विकेट चटका के भारतीय टीम इस गेम में वापस आई है, लग रहा है कि इस श्रृंखला जीतने का सपना जो टीम इंडिया यहाँ पर लेके आई है मेरे हिसाब से वो पूरा हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक बार फिर से ये तमाम खिलाड़ी जो कह रहे हैं, धैर्य वहाँ पर रखना ज़रूरी है मैदान में। अगर खिलाड़ी गलती ना करें तो ज़रूर सेंचुरियन टेस्ट मैच पर भारत अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। तो बस यही उम्मीद करते हैं आपके दोस्त अमित शाह को सेंचुरियन के इस मैदान से। फिलहाल इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे स्पोर्ट्स तक पर। अगर आपने इस चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की आप घंटी दबा दें ताकि हमारे तमाम नए वीडियो हैं वो आप तक जरूर और सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।